नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल दया आर्ट एंड क्राफ्ट में। आज के क्राफ्ट के लिए मैं च्यवनप्राश के इस खाली बॉक्स का यूज कर रही हूँ और इससे मैं एक स्नेल प्लांटर बनाने जा रही हूँ। वॉल पुट्टी में पानी को मिक्स करके सॉफ्ट डो बना लेंगे। इसे अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। इसे हम बॉक्स को कवर करते जाएंगे। ये एक्स्ट्रा क्ले है, उसे नाइफ की हेल्प से कट कर देंगे। इसी तरीके से हमें पूरे बॉक्स को कवर कर देना है। हाथों में पानी लगाकर इसे स्मूथ कर लेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एल्युमिनियम फॉइल की हेल्प से मैं इसकी नेक बना रही हूँ। अब इसको ऊपर से क्ले से कवर कर देंगे और अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमें शेल की शेप बनानी है। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड भी शेप देनी है। दोनों साइड अच्छी तरीके से शेप देने के बाद हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। बॉक्स अच्छी तरीके से सूख चुका है। इसमें नेक को अटैच कर लेंगे। वॉल पुट्टी के इसी डो की हेल्प से ही हमें इसे अटैच करना है। इसकी नेक जब अच्छी तरीके से सूख जाए उसे प्रॉपर शेप देनी है। अब इसकी टेल बना लेते हैं। इस तरीके से खूबसूरत प्लांटर्स बनाकर हम अपने घर को सजा सकते हैं। ये देखने में काफी अच्छे लगते हैं। ये फेस को भी सही तरीके से शेप देंगे। इसमें एक साइड सेल वाला पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ था तो उसे मैं लगा रही हूँ यहाँ पर। ये अच्छी तरीके से सूख चुका है और मैंने इसे सैंडपेपर से फिनिशिंग दे दी है। इसके ऊपर व्हाइट कलर कर रही हूँ। इसके ऊपर
पेंट करने के लिए मैं एक्रेलिक कलर्स का यूज कर रही हूँ। लाइट ग्रीन कलर से शेल के अंदर वाले पार्ट में कलर कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी कलर कर दिया है। लाइट ग्रीन में येलो कलर मिक्स करके मैं इसमें कलर कर रही हूँ। फर्स्ट कोट सूख चुका है और अब मैं इसके ऊपर सेकंड कोट कर रही हूँ। ये बीच में कुछ हिस्सा रह गया था, वहां पर भी मैं कलर कर रही हूँ। इसी तरीके से मैंने दूसरी साइड भी सेकंड कोट कर लिया है। यहाँ पर मैंने ज़्यादा येलो मिक्स करके लाइटर शेड बना लिया है और उसे मैं शेल वाले पार्ट में यूज़ कर रही हूँ। दोनों साइड कलर हो गए हैं। लाइट ग्रीन कलर में थोड़ा सा ब्लैक मिक्स करके ये लाइंस कर रही हूँ। उसमें नीचे की साइड हमें इस तरीके से शेप देते जाना है। येलो में थोड़ा सा व्हाइट मिक्स करके मैं इसके अंदर डॉट्स दे रही हूँ। इसकी पेंटिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें जो आर्ट या क्राफ्ट में दिलचस्पी रखते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।